हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुशांत त्रिवेदी है और यू फेबर के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है वो पूर्व मध्यकाल के बारे में डिस्कस करेंगे और पूर्व मध्यकाल में क्या क्या हुआ, कौन कौन से वंश आए या उनमें उनका पतन कैसे हुआ, उसमें हमें क्या करना है, क्या जानना है और साथ ही साथ वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चंस उस तरीके से आते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये हम लोग इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम लोग पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पृष्ठभूमि में मैं आपको कुछ बताना ये चाहूँगा कि हर्ष के पतन के बाद भारत में कई सारे चेंजेस आए और इसकी शुरुआत जो थी वो बेसिकली गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद से ही हो गई थी। और इसमें हुआ ये कि इन दोनों वंशों के पतन के बाद भारत में जो है वो बहुराज्यवादी संस्कृति का विकास हुआ। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो आया बहुराज्यवादी संस्कृति। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है वो भारत में जो राजनीतिक सत्ता के अलग अलग केंद्र स्थापित होने लगे, क्योंकि केंद्रीय शक्ति या केंद्र में जो सत्ता थी वो कमज़ोर हुई तो उनके जो नीचे वाले लोग थे उन्होंने अपने आप को धीमे धीमे स्वतंत्र करना शुरू कर दिया। तो दूसरा जो पॉइंट इसमें आया वो ये आया कि राज्यों की स्थापना शुरू हुई। तीसरा पॉइंट ये आया कि जिस तरह इस समय जो जाति व्यवस्था थी वो धीमे धीमे जटिल होती गई और समाज जो है वो रूढ़िवादी होता गया। ठीक है, ये एक नेगेटिव पॉइंट था, है ना, जाति व्यवस्था का जटिल होना और समाज का धीमे धीमे रूढ़िवादी होना, मतलब धीमे धीमे समाज जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आया समाज का रूढ़िवादी होना। अगला पॉइंट, यहां पर अर्थव्यवस्था का पतन शुरू हुआ। पूर्व मध्यकाल की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि अर्थव्यवस्था का पतन हुआ और सामंतवाद की जड़ें और गहरी हो। ठीक है, तो अगला पॉइंट इसमें आएगा कि अर्थव्यवस्था का पतन और सामंतवाद का गहरा होना या गहराना। ठीक है, इसके बाद उत्तर भारत में अगला जो एक बहुत बड़ा चेंज हुआ यह हुआ कि राजनीतिक अराजकता की स्थिति आई। राजनीतिक अराजकता का मतलब क्या हुआ कि जिसको जहां जहां पर मौका मिल रहा था वो अपना अपना स्वतंत्र करता जा रहा था और चूंकि केंद्रीय सत्ता में उसको रोकने वाला कोई नहीं था इसलिए धीमे धीमे हर जगह अलग अलग मतलब वंश जो है वो स्थापित होने लगे। यदि हम लोग थोड़ा सा मैप पे कंसल्ट करें तो इसको थोड़ा सा यदि हम स्ट्रक्चर पे देखें तो जैसे ये वाला एरिया है, यहां पर अजमेर, यहां पर चौहान वंश की स्थापना हुई। ठीक है, यहां पर हम देखें गुजरात में तो सोलंकी वंश आया। ठीक है, इसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसके बाद जैसे पाल वंश है तो पाल वंश जो है वो बंगाल में आया। ठीक है, तो पाल वंश हुआ, सेन वंश हुआ, ये सारे जो वंश हैं ये अलग अलग जगह पर धीमे 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 स्थापित होने लगे। ठीक है, तो बहुराज्यवादी संस्कृति का विकास हुआ, समाज रूढ़िवादी हुआ, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था का पतन हुआ और सामंतवाद जो है वो गहराता गया। सबसे ज्यादा जो नेगेटिव पॉइंट आया वो ये हुआ कि वंशों के कमजोर होने के कारण जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनको मौका मिल गया। ये एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट
इसका परिणाम रहा। तो बेसिकली गुप्त साम्राज्य का पतन देखें या हर्ष के बाद का पतन देखें तो वहां पर काफी सारे चेंजेस आए, जिसमें ये चार और ये पांचवा जो नेगेटिव चेंज। आगे हम जैसे देखेंगे कि अरब आक्रमण हुआ, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ है, फिर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ है, फिर इसके बाद मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ है। तो ये जो आक्रमण हुए इनके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जो ये वंश थे ये आपस में ही एकजुट नहीं रह पाए। कोई वंश में कुछ शासक मजबूत हुए, कुछ शासक कमजोर हुए, लेकिन ये जो अलग अलग वंश थे तो उत्तर भारत में राजनीतिक जो एकता थी वो स्थापित नहीं हो पाई, जिसका विदेशियों ने बहुत बड़ा उसका फायदा उठाया। तो हम लोग सबसे पहले जो है कुछ प्रमुख वंशों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो वंश है वो है पाल वंश। तो पाल वंश में हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से मेन राजे हुए। हालांकि सारे राजा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सारे राजा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जिन जिन से क्वेश्चन बन सकता है या जिन जिन से क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि इन राजाओं ने ऐसा क्या किया जिसके कारण इनको हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे सारे के सारे राजा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ राजा ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है डिस्कस करेंगे हम लोग गोपाल के बारे में। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। यहां पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इस काल में जो पाटलिपुत्र था, जो कि छठी सदी ईसा पूर्व से लेकर छठी सदी ईस्वी तक एक बहुत बड़ा केंद्र था, उसकी जगह पर कन्नौज जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, वो राजनीतिक सत्ता का धीमे धीमे केंद्र होता गया। ठीक है, तो यहां पे राजनीतिक सत्ता जो थी वो पाटलिपुत्र शिफ्ट होकर धीमे धीमे जो सेंटर था उसका वो कन्नौज हो गया। तो गोपाल के बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि पाल वंश की जो स्थापना की वो गोपाल ने की। इसके पहले यदि हम थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि देखें तो 8वीं सदी में बंगाल में अराजकता की स्थिति जो व्याप्त हुई थी उसको एक नाम दिया गया है, उस नाम है मत्स्य न्याय। ये एक नाम दिया गया और ये बेसिकली पाल वंश से ही जुड़ा हुआ है ना। मत्स्य न्याय जो है वो अराजकता वाली स्थिति को कहा गया है और इसी अराजकता की स्थिति में गोपाल जैसे एक शासक ने पाल वंश की स्थापना की। गोपाल जो था ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था, ठीक है, और इसने अपनी राजधानी मुंगेर बनाई, मुंगेर आज के बिहार में, ठीक है। तो पाल शासक जो स्थापना हुई वो बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल के द्वारा हुई और उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। गोपाल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम और किया था कि बिहार शरीफ, आज का जो बिहार शरीफ है जिसे हम नालंदा के नाम से जानते हैं, वहां पर इसने एक विश्वविद्यालय की स्थापना कराई जिसे हम ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहते हैं। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ठीक है। तो पाल वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने की और ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था और इसने राजधानी अपनी मुंगेर बनाई। बिहार में बिहार शरीफ के पास ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना इसने की, ठीक है। अब इसके बाद यहां से इनका जो लड़का है उसका नाम है धर्मपाल। धर्मपाल जो है वो इस वंश का पहला प्रतापी शासक माना गया है। पहला प्रतापी शासक जो है उसने कुछ काम भी किए, जैसे सबसे पहले इसने कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, त्रिपक्षीय संघर्ष का मतलब क्या, कन्नौज पर सत्ता स्थापित या कन्नौज का साम्राज्य किसके पास रहेगा, इस पर जो है वो संघर्ष हुआ। तो इसमें बेसिकली तीन वंश शामिल हुए, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। फाइनली गुर्जर प्रतिहारों को इस पे विजय मिली,
लेकिन धर्मपाल जो था उसने कन्नौज के द्विपक्षीय संघर्ष में अपने आप को शामिल किया। साथ ही साथ गुजराती कवि एक है सोड्ढल, सोड्ढल ने धर्मपाल को जो है वो उत्तरापथ स्वामिन की संज्ञा दी। तो गुजराती कवि सोड्ढल ने धर्मपाल को ये जो टाइटल दिया वो इनकी योग्यता के कारण दिया। ठीक है, धर्मपाल ने क्या किया, धर्मपाल ने कन्नौज का जो शासक था इंदिरा युद्ध को हटाकर चक्रा युद्ध की स्थापना इसने वहां पर कर दी। तो इंदिरा युद्ध को हटाया और चक्रा युद्ध की स्थापना की। साथ साथ धर्मपाल ने एक बहुत ही और इंपॉर्टेंट काम किया जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी के द्वारा हुई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर है, आज के भागलपुर में, ठीक है, जो कि बिहार में। तो धर्मपाल का जो शासनकाल है वो कुछ चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कन्नौज का त्रिपक्षी संघर्ष इसके समय शुरू हुआ, गुजराती कवि सोड्ढल ने इसको उत्तरापथ स्वामिन की संज्ञा दी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, साथ ही साथ और इंदिरा युद्ध को हटाकर चक्रा युद्ध को इसने जो है वो गद्दी पर बैठा ला। इसके समय एक अरब यात्री आया है सुलेमान। सुलेमान ने क्या किया कि धर्मपाल को नाम दिया रुहमा। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में और आगे भी आने के चांसेस है। तो अभी हम लोग धर्मपाल के बारे में पढ़ रहे थे, तो धर्मपाल का के बारे में अभी हम लोगों ने कुछ चीजें डिस्कस की, जिसमें उसके समय गुजराती कवि सोड्ढल ने उसको उत्तरापद स्वामिन की संज्ञा दी है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। धर्मपाल के बारे में एक दो चीजें और जरूरी हैं, वो भी जान लीजिए। जैसे इसने अपनी कुछ उपाधियां रखी, तो उसमें कुछ उपाधियां हैं जैसे परम भट्टारक, इसके बाद परम सौगात, परमेश्वर। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि पाल वंश का पहला शासक कौन था जिसने परम भट्टारक, परम सौगात, परम परमेश्वर की इस उपाधि ली। साथ ही साथ धर्मपाल के जो राजसभा में एक हरिभद्र नाम का विद्वान भी रहता था। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी यूपी पीसीएस में भी आ चुका है और कई स्टेट पीसीएस में इसकी चर्चा हो चुकी है कि हरिभद्र नामक जो विद्वान है वो किस पाल शासक के दरबार में रहता था। ठीक है, यहां पर अभी हम लोगों ने बात करी थी सुलेमान की। तो सुलेमान जो है वो बेसिकली भारत में 9वीं सदी में आया, ठीक है, जिसने धर्मपाल को रूमा बोला है। अब इसके बाद धर्मपाल का लड़का देवपाल, देवपाल का जो पीरियड है वो 810 से 810 से 850 तक का पीरियड है। ठीक है, 810 से 850 का पीरियड है और इसको यदि हम देखें तो ये 770 से 810 का पीरियड धर्मपाल का है। देवपाल भी एक बहुत ही बड़ा शासक था। इसको सुलेमान ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या सबसे ज्यादा पराक्रमी शासक बताया है। ठीक है, देवपाल के समय भी कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई या देवपाल ने बहुत ऐसा काम किया जिसके बारे में आज हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। सबसे पहली चीज, इसने ओदंतपुरी विहार की स्थापना की। तो जैसे अभी हम लोगों ने इसमें देखा था, धर्मपाल ने ओदंतपुरी विश्व सॉरी गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था, लेकिन देवपाल ने ओदंतपुरी विहार की स्थापना की। देवपाल ने भी अपने पिता की तरह परम सौगात की उपाधि धारण की। ठीक है, देवपाल के बाद अगला जो शासक हुआ है वो है महिपाल फर्स्ट, है ना, महिपाल फर्स्ट ये अगला शासक हुआ जिसको हम ये कहते हैं कि ये पाल वंश का
दूसरा संस्थापक माना जाता है। लेकिन महिपाल फर्स्ट के समय कुछ ऐसा हुआ कि जो राजेंद्र चोल था, चोल शासक, उसने बंगाल पर अटैक किया और महिपाल को हरा दिया। महिपाल के समय एक जो इम्पोर्टेंट घटना हुई है वो ये है कि एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु हैं अतीस, अतीस के नेतृत्व में एक दूत मंडल तिब्बत भेजा गया। ठीक है, पाल वंश का अंतिम शासक यदि हम देखें, क्योंकि महिपाल के बाद इनका पतन शुरू हुआ, आगे आने वाले शासक कमजोर थे क्योंकि महिपाल ऑलरेडी राजेंद्र चोल से हार चुके थे। आगे आने वाले शासकों में एक शासक है रामपाल, तो संध्याकर नंदी ने रामपाल चरित की रचना की थी और उसमें यही रामपाल की चर्चा हुई है। रामपाल एक कमजोर शासक था और धीमे धीमे पाल साम्राज्य जो था या पाल वंश की जो स्थिति थी वो खत्म हो गई। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुशांत त्रिवेदी है और हम लोग आज मध्यकालीन भारत पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पूर्व मध्यकाल पर चर्चा करते हैं कि पूर्व मध्यकाल वाला एरिया या क्षेत्र क्या था और इसमें क्या क्या हुआ, ये स्थितियाँ क्यों पैदा हुई, इस पर हम लोग थोड़ा सा सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो पूर्व मध्यकाल का जो इतिहास है वो बेसिकली 800 से 1200 ईस्वी तक पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो हुआ वो उसको ऐसे हम लोग समझें कि गुप्त काल के पतन के बाद, और यदि हम वास्तविक रूप से देखें तो हर्ष के समय के बाद जो राजनीतिक परिस्थितियां बदली, और ये देखा जाए तो प्राचीन काल में भी यही हुआ था कि जैसे अशोक के बाद जो आगे आने वाले शासक कमज़ोर थे, तो जो सामंत लोग थे या जो उनके नीचे के सेनापति लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग सत्ताएं स्थापित करनी शुरू कर दी थी। यही स्थिति गुप्तकाल के बाद भी हुई। गुप्तकाल के बाद भी जो सामंत थे उन्होंने भी अपनी अपनी स्थितियां मजबूत करी, और हर्ष के बाद ये स्थितियां तेजी से बढ़ी। तो हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि गुप्त काल के जो पतन के परिणाम थे वो क्या थे। ठीक है, तो गुप्त काल के पतन के परिणाम क्या थे। सबसे पहले जो आता है वो है बहुराज्यवादी स्थिति। तो इसको हम इस तरीके से समझे, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि अशोक के बाद स्थितियां बदली, तो उसके सामंत और उसके जो सेनापति थे उन्होंने अपनी अपनी धीमे धीमे सत्ता बनाई। जैसे हम लोग देखते हैं कि मौर्य काल के जैसा पतन होता है तो फिर शुंग वंश आता है। शुंग वंश जो है वो पुष्यभूति शुंग ने उसकी स्थापना की थी, और पुष्यभूति शुंग बेसिकली जो था वो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग के बाद कर्ण वंश आता है। तो वहाँ पर ज़्यादातर स्थितियाँ ये आती गई हैं कि जो जो सामंत हैं, जब 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 केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हुई है, तब तब जो नीचे वाले जो तबके हैं उन्होंने अपनी अपनी स्थितियाँ मजबूत करने के लिए अपने आप को स्वतंत्र कर लिया है ना। तो बहुराज्यवादी स्थिति यही है, कोई किसी का सामंत था, फिर उसके बाद उसने अपनी अपनी स्थितियां अलग अलग दी। इसको यदि हम एक नक्शे से समझने की कोशिश करें तो जैसे ये एरिया है अजमेर का, यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना हुई, शाकंभरी के पास हुई। शाकंभरी भी बेसिकली अजमेर के पास है, और अजमेर जो है वो बेसिकली अजय मेरू के द्वारा स्थापित किया गया। इसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पर एरिया है या यहाँ पर क्षेत्र आता है अनिलवाड़ का, जो कि सोलंकी वंश का शासक है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पर पाल वंश और सेन वंश आते हैं जो कि बंगाल पर शासन कर रहे हैं। ठीक है, फिर मालवा जो है वो एरिया, यहाँ पर परमार वंश जो है वो शासन कर रहा है। यदि हम यहाँ पर आएँ तो ये बुंदेलखंड, जिसे हम जयजाग भुक्ति का एरिया कहते हैं, वहाँ पर चंदेल वंश शासन कर रहे हैं। ठीक है, तो चौहान हो गए, सोलंकी हो गए, पाल और सेन हो गए, इधर जयजाग भुक्ति के चंदेल वंश हो गया, और मालवा के परमार वंश हो गए, है ना। और गुर्जर प्रतिहार जो हैं वो भी
बेसिकली जो है गुप्तों के सामंत थे, तो गुर्जर प्रतिहार जो थे वो भी राजपूत वंश में ही आते हैं। ठीक है, तो ये बहुराज्यवादी स्थिति है जो कि केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के कारण ये उभरी। ठीक है, दूसरा परिणाम क्या हुआ? दूसरा परिणाम ये हुआ कि जाति व्यवस्था जटिल हुई। जाति व्यवस्था जटिल हुई और इससे क्या हुआ, रूढ़िवादिता बढ़ गई। तो जाति व्यवस्था जो जटिल हुई इससे रूढ़िवादिता बढ़ी। कैसे? धीमे धीमे चूंकि ऐसा हुआ कि हर्ष के पतन के बाद, जैसे हर्ष का जैसे हम देखते हैं समय खत्म होता है, तो कायस्थ जाति का उद्भव हुआ है। तो कायस्थ जाति जो कि ब्राह्मण और क्षत्रिय का मिक्सचर है या मिश्रण है, उस जाति का उदय हुआ और धीमे धीमे और भी समाज में जाति व्यवस्था धीमे धीमे और टफ होने लगी। समाज में जो है वो रूढ़िवादिता बढ़ने लगी। लोग अपने आप को ये मानने लगे कि चूंकि हमारे हमारे ये पूर्व जन्मों के कर्मों का फल था, इसलिए हमारे ऊपर जो है वो इस तरीके का शासन व्यवस्था चल रही है। उन्होंने अपनी तरफ से चेंज करने की या अपनी तरफ से बदलाव करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि पतन शुरू हुआ, साथ ही साथ सामंतवाद की जो जड़ें थीं वो मजबूत हुई। सामंतवाद की जड़ें मजबूत हुई। अर्थव्यवस्था का पतन क्यों शुरू हुआ? अर्थव्यवस्था का पतन ये शुरू हुआ क्योंकि जब केंद्र में कोई एक शासक नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि व्यापार पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसे हम लोग शुरुआत में देखें तो अशोक के समय बहुत अच्छा व्यापार था, साथ साथ हम देखें यदि हम कनिष्क के समय देखें तो वहां पर तो भारत सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। इसके बाद यदि हम देखें गुप्त में भी तो व्यापार वाणिज्य चलता रहा, लेकिन जैसे ही गुप्तों का पतन हुआ, इवन हर्ष के समय में भी जो व्यापार पे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं हुआ, उत्तर भारत में अच्छा स्थिति थी, लेकिन हर्ष के बाद जो स्थिति आई उसमें अर्थव्यवस्था का पतन बहुत तेजी से होने लगा और सामंतवाद जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। और ये स्थितियां जो थीं इसी ने प्रारंभिक काल को पूर्व मध्य काल में या मध्य काल में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगला जो कारण हुआ या जो अगला परिणाम हुआ वो हुई अराजकता की स्थिति। अराजकता की स्थिति क्यों हुई? क्योंकि केंद्रीय सत्ता कमजोर थी। देखिए कारण सब वही से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यदि सेंटर पे सत्ता कमजोर है तो हर व्यक्ति को मौका मिल रहा है स्वतंत्र होने का, और जब हर व्यक्ति स्वतंत्र होने की कोशिश करेगा तो अराजकता अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, यही चीज जो है वो हम देखेंगे औरंगजेब के पतन के बाद। औरंगजेब की जैसी ही डेथ हुई है तो जो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ है, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी शासक थे, बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफर तक, ये सबके सब कमजोर थे, इसमें एक भी व्यक्ति योग्य नहीं था। ठीक है, तो जब जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होगी हर चीज पर उसका कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो एक और परिणाम हुआ जो सबसे घातक हुआ, घातक ये हुआ कि विदेशी आक्रमणकारियों को इस चीज का उन्होंने फायदा उठाया। तो विदेशी आक्रमणकारी में जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का अटैक हुआ, सिंध पर उसने अटैक किया और सिंध पर उसने कब्जा किया। सिंध का राजा दाहिर जो था वो कमजोर शासक था, है ना। आगे फिर हम लोग यदि देखें तो महमूद गजनवी के आक्रमण आ रहे हैं, महमूद गजनवी के बाद फिर हम मोहम्मद गौरी के आक्रमण देख रहे हैं। ठीक है, तो गुप्त काल के जो पतन के परिणाम थे वो इस तरीके से चल रहे हैं, जैसे बहुराज्यवादी स्थिति जो अभी हम लोगों ने मैप में डिस्कस किया, जाति व्यवस्था का जटिल होना, रूढ़िवादिता का बढ़ना, अर्थव्यवस्था का पतन होना, ठीक है, और सामंतवाद की जड़ें मजबूत होना, अराजकता की स्थिति होनी और विदेशी आक्रमणकारियों का प्रभाव धीमे धीमे बढ़ने लगा और उनको इस तरीके से ये ऐसा एहसास होने लगा कि यदि हम भारत पर कब्जा कर लें तो हम अपनी जो हमारा जो पैसे की प्रॉब्लम है वो भी सही हो जाएगी, और दूसरी चीज़ यहाँ की जो राजनीतिक परिस्थिति है यहाँ पर हम अपनी राजनीति भी जो है इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, या थोप सकते हैं।
तो जैसे हम आगे अभी देखेंगे कि मोहम्मद गौरी के बाद दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग हुई है, लेकिन उसके पहले कई सारी चीज़ों में ऐसा हुआ है कि परिणाम से आगे जो है स्थितियां धीमे धीमे बदलनी शुरू हो गई। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ वंश पे चर्चा करेंगे, जैसे पाल वंश हैं, चौहान वंश हैं, सेन वंश हैं, और चालुक्य वंश हैं, चंदेल वंश है, तो इन सब पे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इनमें से किस कहां कहां से क्वेश्चन आया हुआ है या कहां कहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। और हम लोग जो है वो पिछले साल के जो यूपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग जो है सबसे पहले पाल वंश पे चर्चा करते हैं जो कि बंगाल पे शासन कर रहा था। पाल वंश का पीरियड वैसे माना जाए तो 750 से 1120 तक का है। 1120 में अंतिम शासक जो है वो रामपाल है, बहुत कमज़ोर शासक था, है ना, तो यहाँ तक माना जाता है। लेकिन इनकी स्थिति जो है वो महिपाल से ही बिगड़ना शुरू हो गई। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कौन संस्थापक था, उसने क्या किया। सारे के सारे जो राजा हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ जो राजा हैं जिन्होंने ऐसा कुछ काम किया जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गोपाल की। गोपाल का पीरियड है या कार्यकाल है इनका 750 से 770। तो गोपाल ने क्या किया, गोपाल इसलिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं या इसलिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने पाल वंश की स्थापना की, पाल वंश के संस्थापक माने गए हैं। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो कि यदि हम देखें तो बिहार में यहां पर बिहार शरीफ है, यदि हम ये एरिया देखें तो ये है बिहार शरीफ, है ना, बिहार शरीफ को वर्तमान में हम नालंदा के नाम से भी जानते हैं। ओदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई वो बिहार शरीफ में ही हुई। गोपाल ने अपनी राजधानी जो थी वो बिहार के मुंगेर में बनाई। मुंगेर जो है वर्तमान में बिहार में ही है, और आगे अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मीर कासिम ने जो कि मीर जाफर के बाद बंगाल का शासक हुआ, उसने भी अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को ट्रांसफर किया है। तो गोपाल जो हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने मुंगेर में अपनी राजधानी बनाई और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो गोपाल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि गोपाल ने ऐसा कोई बहुत, यदि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को हम छोड़ दें तो बाकी केवल संस्थापक के रूप में ही इनका योगदान है, बहुत ज़्यादा इसमें योगदान नहीं है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और पाल वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो अगला शासक है वो है धर्मपाल, जो कि गोपाल का लड़का है। इसका पीरियड है 770 से 810। पाल वंश का यदि प्रतापी शासक हम देखें तो सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल ही है, है ना। धर्मपाल ने क्या किया, यह भी बौद्ध धर्म को मानता था, इसने परमेश्वर, परम भट्टारक, परम सौगात जैसी उपाधियां ग्रहण की। तो यह क्वेश्चन आ चुका है कि परम भट्टारक की उपाधि किसने ग्रहण की, तो उसका आंसर जो है वो धर्मपाल है। धर्मपाल ने क्या किया, धर्मपाल ने कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेना शुरू किया। तो त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में थोड़ा सा हल्का फुल्का समझ लें, छठी सदी ईसा पूर्व से लेकर छठी सदी ईस्वी तक मगध जो है या जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है, लेकिन छठी सदी के बाद ये सेंटर शिफ्ट हो गया कन्नौज की ओर जो कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष बेसिकली इसी कन्नौज पर आधिपत्य करने से या अधिकार जताने से ही जुड़ा हुआ है। कन्नौज में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है उसमें तीन पक्ष शामिल हैं, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। इसमें बहुत बार कोई किसी ने किसी को हराया, फिर किसी ने किसको हराया, इस तरीके की बातें हैं, लेकिन फाइनली जो है या अंतिम रूप से हम देखें तो गुर्जर प्रतिहार ने ही कन्नौज पर विजय प्राप्त कर लिए।
तो धर्मपाल ऐसा पहला शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से भाग लिया। फिर क्या हुआ, दूसरी चीज, इसने कन्नौज में इंद्रायुद्ध को हराकर, इंद्रायुद्ध को हटाकर चक्रायुद्ध को बैठा ला। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ही इसका कन्नौज पे थोड़ी देर के लिए नियंत्रण हुआ, पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं हो पाया, लेकिन इंद्रायुद्ध को हटाकर इसने चक्रायुद्ध को बैठा ला। अब धर्मपाल के समय बेसिकली नहीं कहेंगे, सुलेमान जो है वो एक अरब यात्री है, वो नवीं सदी में भारत आया है, और नवीं सदी में जब वो भारत आया तो उसने धर्मपाल को रुहमा कहकर बुलाया। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि धर्मपाल को रुहमा कहकर किसने पुकारा, तो सुलेमान ने नवीं सदी में धर्मपाल को रुहमा कहकर पुकारा। फिर क्या हुआ, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के शासक द्वारा। विक्रमशिला जो है आज के समय में यदि हम देखें तो यह भागलपुर में पड़ता है, और भागलपुर बिहार में, ठीक है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ, इंद्रायुद्ध को हटाकर चक्रायुद्ध को बैठाला, सुलेमान ने इसे रुहमा कहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। साथ ही साथ गुजराती कवि सोड्ढल ने इसे उत्तरापथ स्वामिन की संज्ञा दी, उत्तरापथ स्वामिन की संज्ञा दी। धर्मपाल के साथ एक चीज और भी जुड़ी है, धर्मपाल के राज दरबार में हरिभद्र नाम का एक कवि था, वो भी था, और सोमपुर महाविहार की स्थापना भी धर्मपाल ने ही की। तो धर्मपाल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और इसके लगभग हर पॉइंट से क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में और यूपीएससी में भी आ चुका है। चलिए, तो अगला जो शासक हुआ वो था देवपाल, जो कि धर्मपाल के बाद आया है। देवपाल का जो पीरियड है वो 810 से 850 तक माना जाता है, ठीक है, 810 से 850 तक माना गया है। देवपाल जो है वो भी शामिल रहा अलग अलग संघर्ष में। देवपाल ने क्या किया कि प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड को युद्ध में हरा दिया। और ये जो सारी की सारी जो मामला चल रहा है ये अभी सब त्रिपक्षीय संघर्ष का ही है ना। अंतिम में जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहारों को ही मिली, लेकिन पालों ने, राष्ट्रकूटों ने और गुर्जर प्रतिहारों ने कभी किसी ने किसी को हराया, कभी किसी ने किसी को हराया। देवपाल के साथ एक दूसरी चीज और जुड़ी हुई है कि ओदंतपुरी विहार की स्थापना देवपाल के समय की। तो जब भी ये क्वेश्चन आए कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो वो है गोपाल, और जब ये क्वेश्चन आए कि ओदंतपुरी विहार की स्थापना किसने की, तो वो है देवपाल। देवपाल को जो अरब यात्री सुलेमान था, जो कि 9वीं सदी में भारत आया था, उसने राष्ट्रकूट शासक और प्रतिहारों में से सबसे ज्यादा ताकतवर इसको बताया है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सुलेमान ने सबसे ताकतवर शासक किसको बताया, तो सुलेमान ने इसे सबसे शक्तिशाली शासक बताया, ठीक है। देवपाल ने भी अपने पिता की तरह परम सौगात की उपाधि धारण की, जैसे उसके पिता धर्मपाल ने परम सौगात, परमेश्वर, परम भट्टारक आदि की उपाधि धारण की। देवपाल के बाद आगे आने वाले जो शासक हैं उसमें महिपाल फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। महिपाल फर्स्ट का जो पीरियड है वो 998 से 1038 ईस्वी का माना जाता है। महिपाल फर्स्ट को जो है वो पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना गया है। पाल वंश की जो प्रतिष्ठा बढ़ी दूसरी बार वो महिपाल फर्स्ट के समय ही बढ़ी, लेकिन इसके समय राजेंद्र चोल ने
आक्रमण किया और महिपाल को हरा दिया। ठीक है, तो महिपाल फर्स्ट योग्य जरूर था, लेकिन राजेंद्र चोल उससे ज्यादा योग्य निकला और उसने महिपाल को हरा दिया। महिपाल फर्स्ट के बाद से पाल वंश का पतन शुरू हो गया और अंतिम रूप से यदि हम देखें तो अंतिम शासक है रामपाल। रामपाल का जो पीरियड है वो लगभग 1120 के आसपास है और इसी का जो इनके यहाँ एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था संध्याकर नंदी, संध्याकर नंदी ने रामपाल चरित की रचना की। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, तो पाल वंश के शासकों में हम लोगों ने देखा गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, महिपाल फर्स्ट और रामपाल। जैसे ही केंद्र में सत्ता कमजोर हुई तो धीमे धीमे उस साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो आगे अभी हम लोग चर्चा करेंगे गुजरात का चालुक्य वंश है।